हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो आज की वीडियो काफी रिक्वेस्टेड थी और मैं इस रेसिपी को अक्सर घर पे बनाती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। पहला स्टेप है केसर मिल्क। इसके लिए मैं एक कप गरम दूध ले रही हूँ और उसमें थोड़ा सा केसर। इसको स्टार करके मैं इसे 40 मिनट्स के लिए अलग से रख दूंगी। बरिस्ता बनाने के लिए मैं दो अनियंस काट लूंगी। अनियंस में कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं 4 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ और फिर इसमें ऑनियंस ऐड कर दूंगी। इसको तब तक आपने फ्राई करना है जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। नेक्स्ट स्टेप है आलू को फ्राई करना। इसके लिए मैं 5 आलू आधा आधा काट लूंगी। अब आलू में मैं ऐड करूंगी हल्दी और बिरयानी मसाला, साथ के साथ थोड़ा नमक और रेड चिली पाउडर और फिर केवड़ा वाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, फिर इसको गरम तेल में फ्राई करूंगी। फ्राई तब तक करना है जब तक इसका आउटर लेयर थोड़ा क्रिस्पी नहीं बन जाता। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, मैं अदरक और मिर्ची काट रही हूँ। मिक्सर में डालकर पीस लूंगी। पीसने के बाद इसे स्ट्रेन कर लूंगी। अब बारी है चिकन को फ्राई करने की। मैंने यहाँ पे लिया है 700 ग्राम चिकन। उसे मैं गरम तेल में फ्राई करूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब एक कुकर में मैं ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं ऑयल में ड्राइड स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, इससे एक सुंदर खुशबू आती है। 5 से 7 मिनट के बाद मैं ड्राइड स्पाइसेस को तेल से निकाल लूंगी। फिर इसमें जिंजर गार्लिक जूस ऐड कर दूंगी जो हमने पहले बनाया था। अब मैं इसमें फ्राइड चिकन ऐड कर रही हूँ और इसको मीडियम हीट में पकने दूंगी। स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर, हल्दी और बिरयानी मसाला।
अब मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करके इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। अब 2 स्पून दही में मैं थोड़ा चीनी मिक्स करूंगी और इसे भी कुकर में ऐड कर दूंगी। केवड़ा वाटर ऐड करने से बिरयानी का ट्रेडिशनल स्मेल आता है। अब चिकन कुक हो जाने पर कुकर से कुछ चिकन पीसेस उठाकर रख दूंगी। अब इसमें 5 आलू के टुकड़े ऐड करूंगी और थोड़ा सा बरिस्ता। अब चावल ऐड करूंगी और साथ के साथ पानी। चावल को भिगो के रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुकर में बनेगा। 1 कप पानी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं 1 कप दूध और ऐड करूंगी और चिकन का ग्रेवी भी है साथ में। अब बाकी के चिकन ऐड करूंगी, फिर बचे हुए आलू और बरिस्ता ऐड करूंगी। जो हमने शुरू में केसर मिल्क बनाया था उसे भी मैं अभी इसमें ऐड करूंगी। नेक्स्ट है केवड़ा और रोज वाटर। लास्ट में आप बिरयानी मसाला और घी ऐड करना। अब इसको मैं 1 सीटी तक पकने दूंगी। बस अब रेडी हो गया है आपका चिकन बिरयानी इन कुकर।